ओम नमस्ते सभी को। हमारी रसोई में एक बहुत शक्तिशाली हर्ब्स पाई जाती है जो कि है हल्दी। लेकिन हल्दी तो हम हर रोज़ सब्जी में डालकर खाते हैं, लेकिन जब हम उस हल्दी को दूध में डालकर लेने लग जाते हैं तो हमारे शरीर में पावर इंक्रीज होने लगती है, प्लस हड्डी मजबूत होने लगती है हमारी, मतलब कि डबल रिजल्ट मिलने लग गया। ऐसे ही एक बहुत पावरफुल औषधि हमारी रसोई में पाई जाती है जो कि पेट के लिए सबसे बेस्ट है, वो है जीरा। जीरा हम कभी ना कभी सब्जी में डालते ही हैं, लेकिन अगर जीरे को पानी में गर्म करके लिया जाए सिर्फ आधा चम्मच, तो पेट अंदर से इतना पावरफुल बन जाता है, पाचन इतना शक्तिशाली बन जाता है कि कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई बीमारी नहीं लगती। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझो। हमारी रसोई में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि हम हर रोज़ ले रहे हैं, लेकिन जब हम उन हर्ब्स को अलग से लेते हैं, उन औषधियों को अलग तरीके से लेते हैं, अलग से लेते हैं, तो वो बेनिफिट जो है अलग से देने लगती है, ज़्यादा देने लगती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज मैं ऐसी औषधि आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी रसोई में आपको मिल जाएगी, बस आपको तरीका बनाना है, उसको खाने का तरीका भी बताता रहूँगा, और फिर देखना आप कितने स्वस्थ हो जाओगे, आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट काम करेगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी और शरीर सुंदर बनेगा, स्किन एकदम ज़बरदस्त और बॉडी के अंदर पावर आएगी। देखो लौंग तो सबकी रसोई में मिल जाती है, ठीक है, बस करना ये है कि सेब लेकर आ जाओ और सेब के अंदर इस तरीके से जैसे आप फोटो में देख रहे हो, सेब के अंदर एक एक करके इस तरीके से 8-10 लौंग घुसा दो अच्छे से। अब इससे होगा ये कि सेब की सारी ताकत इन सभी लौंग के अंदर आ जाएगी, और प्लस लौंग में बहुत ताकत होती है। अब इस सेब को एक सप्ताह के लिए रख देना है ऐसी जगह पर जहाँ ये खराब ना हो, और फिर एक हफ्ते बाद इन सभी लौंग को निकाल दो और इन लौंग को सुखा लो और फिर पीस लो, और पीस कर जो पाउडर बनेगा उसको रात को लेना है सिर्फ एक चुटकी दूध के साथ, सिर्फ एक चुटकी, ध्यान रहे। ये जो नुस्खा है ये ऋषि मुनि द्वारा खोजा गया है, और इससे देखना कितनी शक्ति आपके अंदर आएगी, कितना शक्तिशाली शरीर आपका बनेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, स्किन बढ़िया बनेगी, और जो गलत क्रियाएं करके आपके अंदर शक्ति कम हुई है वो रिकवर होगी। इसके बाद अगली जो दो चीज़ें हमारी रसोई में पाई जाती है वो बहुत पावरफुल है। अगर आप बॉडी बना रहे हो तो ये हेल्प करेगी आपकी बॉडी बनाने वाले हार्मोन को बढ़ाने में। एक तो है इलायची, दूसरा मुनक्का। इलायची और मुनक्के को दलिये में डालो और खाओ, 8-10 मुनक्का, 2-4 इलायची बस। अगर दलिया नहीं खाते तो केले के शेक में डाल लिया करो दोनों चीज़ों को, इलायची और मुनक्के को, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इनका। उसके बाद जो हमारी रसोई में पाई जाने वाली एक पावरफुल हर्ब्स है वो है मुलेठी। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब गले की कोई बीमारी लगती है ना, लेकिन इसका फ़ायदा यहीं तक सीमित नहीं है। मुलेठी के फ़ायदे जब आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। मुलेठी हमारे लीवर, स्किन, हेयर, इन सब को इम्प्रूव करती है और कोई रोग नहीं लगने देती इन सभी अंगों को। देखो मुलेठी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसकी स्टिक मिलती है। सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका पाउडर ले आओ, लेकिन प्योर होना चाहिए, प्योर मुलेठी पाउडर ये सबसे बेस्ट है, नेचर श्योर का मुलेठी पाउडर। ये मैं क्यों लेने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये सर्टिफाइड है, बिल्कुल प्योर, एकदम नेचुरल। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, इतना सारा पोषक तत्व मिलेगा जो कि आपकी बॉडी को एकदम स्वस्थ सुंदर बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इसकी चाय भी बना सकते हो आप। नेचर श्योर के मुलेठी पाउडर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसको ज़रूर कंज्यूम करें। करना कुछ नहीं है, बस एक चम्मच मुलेठी पाउडर को पानी में मिक्स करके पी लो, शहद फ्री मिलता है इसके साथ, थोड़ा सा शहद डाल लो, बहुत बेनिफिट मिलेंगे, हेल्थ एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चेक करें, ऑर्डर कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है पंजीरी। ये होती है, देखो हमारे यहाँ तो सांदा बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, जैसे कि काली मिर्च, भूरी मिर्च, काजू बादाम, नारियल, इलायची, आटा। ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत आसान है इसको बनाना, सबके घर वाले जानते हैं कैसे बनता है, सर्दियों में चलता है, सर्दियाँ चालू हो चुकी है, बनवा लो और भाई ब्रेकफास्ट में खाया करो। ये हमारे सभी अंगों को पावरफुल बनाता है, सुंदर बनाता है, और सर्दियों में शरीर को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। पहले हमारे बुजुर्ग यही खाते थे, और हमारी कमजोरी दूर करता है, वज्र धातु को बढ़ाता है। अब अगली जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये रसोई में पाई जाती है, इसको हटाना है रसोई से, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसको हटाना है। अगर आपने इस चीज़ को रसोई से हटा दिया तो आपके घर वाले स्वस्थ रहेंगे, आपके घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनके घुटनों में, हड्डियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो स्वस्थ रहेंगे, और आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब बॉडी को जब न्यूट्रिशन पूरा मिलता है तो सोचो आप कितनी अच्छी हो जाती है बॉडी। तो भाई वो चीज़ है कुकर, कुकर को हटा दो। कुकर की जगह या तो पीतल के बर्तन ले आओ, मतलब पतीले जिसमें आप दाल वगैरह बनाते हो, सब्जी हमेशा पीतल में बनानी है, और सबसे उच्च मानी जाती है, सबसे उत्तम माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार, मिट्टी की हांडी में।
फर्क सिर्फ इतना है कुकर में पात जल्दी बन जाती है और इन सब में पीतल के पतीली में और मिट्टी की हांडी में लेट बनता है, लेकिन न्यूट्रिशन का बहुत फ़र्क है। कुकर में सब्जी उबलती है, पकती नहीं है, ठीक है ना, तो ये चीज़ समझो। तो बस ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप बनाते हो तो बहुत इंप्रूवमेंट होगी आपकी बॉडी में। अगली वीडियो के स्पेशल कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।